चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले देखिएगा CG व्यापम के द्वारा भर्तियों से संबंधित आगे चलकर जो ताबड़तोड़ कार्रवाई वगैरह की जानी है उस पर हम डिटेलिंग करेंगे। प्लस सेकेंडली देखिएगा, हाल फिलहाल में छात्रों के द्वारा कुछ ऐसे कारनामे किए जा रहे हैं जिसके बाद हम लोग यही कह सकते हैं कि वो लोग खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्या है पूरा माजरा, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी डिटेल में हम लोग देखेंगे, तो वीडियो पर लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। दरअसल देखिएगा दोस्तों, हाल फिलहाल में छात्रों के द्वारा बार बार मुझसे एक ही प्रश्न पूछा जा रहा था कि सर, हमारे प्रदेश में भर्तियाँ वगैरह क्यों जारी नहीं हो रही है। तो देखिएगा, इसका सीधा सीधा कारण यही था, क्योंकि गवर्नमेंट देखिए वेट एंड वॉच के मोड में थी। 16 जनवरी 2023 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, उसमें देखिएगा उनको यह उम्मीद थी कि न्यायालय की तरफ से उनको कुछ राहत वगैरह मिलेगी, यानी कि देखिएगा जो बिलासपुर हाईकोर्ट का आदेश वगैरह आया था उसमें कुछ राहत मिलेगी, लेकिन देखिएगा वहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरासर उसको नकार दिया गया है, यानी कि कोई भी राहत वगैरह नहीं दी गई है, कोई स्टे वगैरह नहीं दिया गया है, जिससे शासन को बहुत बड़ा झटका भी लगा है। तो इसके बाद देखिएगा दोस्तों, शासन के पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस ही बचते हैं, जिसमें सबसे मेन चीज़ ये आता है कि जो वर्ष 2012 से पहले 50% वाला आरक्षण रोस्टर था उसके साथ आगे बढ़ा जाए, और बातें भी यही चल रही हैं कि उसी पर्टिकुलर ऑप्शन के साथ यहाँ पर शासन जो है भर्तियों को आगे बढ़ाएगी। हालांकि देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन ये इनपुट्स वगैरह मिल रहे हैं। तो देखिएगा दोस्तों, तो उस पर्टिकुलर दिन के बाद से आप देख रहे होंगे व्यापम की तरफ से एक के बाद एक जो है यहाँ पे नोटिफिकेशंस वगैरह जारी हो रहे हैं अलग अलग भर्तियों को लेकर, और ये चीज़ देखिए आगे कंटिन्यू रहने वाला है, क्योंकि देखिएगा अगली सुनवाई का जो डेट है ये मार्च महीने में है। बहुत लंबा चौड़ा समय है, शासन के पास अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है कि अब अगली सुनवाई तक वेट एंड वॉच करें, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर इलेक्शन का भी टाइम है, इलेक्शन वाला वर्ष है, युवाओं को खुश रखना भी जरूरी है। तो इसके लिए देखिएगा अब एक के बाद एक नोटिफिकेशन वगैरह जारी होंगे। हालांकि देखिए ये जो आरक्षण वाला विवाद है कब खत्म होगा देखा जाएगा। तो इसी के अंतर्गत देखिएगा दोस्तों, व्यापम में द्वारा हाल फिलहाल में बहुत से जो नोटिफिकेशंस वगैरह जारी हो रहे हैं और आगे चल के जारी भी होंगे। तो देखिएगा कल जो बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है ये मैंने ओपन कर दिया है, यहाँ पर मुख्य रूप से क्या क्या जानकारियां दी गई हैं एकदम शॉर्ट में बताते हुए चलता हूँ। दरअसल देखिएगा दोस्तों, CG ट्रेड एग्जाम 2022 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन के दौरान जाति एवं श्रेणी में रुटि सुधार हेतु माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका वगैरह लगाई गई थी। एट प्रेजेंट देखिएगा जो अपडेट वगैरह निकल के आ रही है उसके अनुसार देखिएगा, माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश का परिपालन करते हुए CG व्यापम द्वारा आवेदन में रुटि सुधार कर संशोधित परीक्षा परिणाम प्लस ई सर्टिफिकेट वगैरह जारी कर दिया गया है। तो देखिएगा जो पर्टिकुलर यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह आप देख रहे हैं, इसके जब आप नीचे जाएंगे तो समस्त छात्रों का नाम प्लस उनके डिटेल्स वगैरह दिए गए हैं सीरियल वाइज। तो देखिए इस पर्टिकुलर PDF को मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, वहाँ से आप इसको चेकआउट कर पाएंगे। इसी के साथ देखिएगा दोस्तों, व्यापम के द्वारा आगे चलकर जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है नोटिफिकेशन वगैरह जारी किया जाने वाला है कुछ ही दिनों में। अभी कौन सा नोटिफिकेशन इसके भी डिटेल्स बता देता हूँ। साइड में देखिएगा एक न्यूज़पेपर कटिंग मैंने आपको शो किया है और उसके आधार पर चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। दरअसल देखिएगा 4 वर्षों बाद व्यापम के द्वारा सेट एग्जाम लिया जाने वाला है, इसके लिए देखिएगा व्यापम ने तैयारियां वगैरह शुरू कर दी है। अब चीज़ें जो है अंतिम पड़ाव में हैं। देखिएगा सिर्फ UGC की तरफ से हरी झंडी मिलने की देरी है। अब देखिएगा दोस्तों, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आप लोग को बताया है कि आगे चलकर जो है हमारे प्रदेश में लगभग 2000 की संख्या में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्तियां वगैरह होनी है। अब देखिएगा एक चीज़ आप जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन करने हेतु सेट एग्जाम में क्वालिफाइड होना जरूरी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षक भर्ती के लिए टेट एग्जाम में क्वालिफाई होना जरूरी रहता है, वैसे ही देखिएगा जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है जिसमें देखिएगा कॉलेजेस वगैरह में असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बनते हैं, इसके लिए सेट एग्जाम जो है क्वालिफाई होना जरूरी रहता है। इसी के लिए देखिएगा उस पर्टिकुलर भर्ती को जारी करने से पहले सेट का एग्जाम हमारे प्रदेश में होने वाला है, जो कि यहाँ पे व्यापम लेगा, और बाकी यहाँ पे बता दूँ असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है ये CGPSC लेने वाले हैं। कुछ ही दिनों में भर्ती वगैरह जारी होंगी, लेकिन उसके पहले पहले सेट एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि छात्र बार बार पूछते थे सेट एग्जाम का क्या होगा नहीं होगा, तो इसके भी संबंध में देखिएगा इनपुट्स वगैरह मिल रहे हैं, आगे चलकर आपको इसके भी नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है, तो तैयार रहिएगा। इसी के साथ देखिएगा दोस्तों, आगे चलकर जो है व्यापम की तरफ से शिक्षक प्लस सहायक शिक्षक के पदों पर भर्ती हेतु ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह जारी किया जाने वाला है। इसके संबंध में देखिएगा जो पर्टिकुलर विभाग है लोक शिक्षण संचालनालय, इसके द्वारा जो है कुछ इनपुट्स वगैरह मिल रहे हैं, ऑफिशियल इनपुट्स वगैरह मिल रहे हैं। इसके संबंध में सेपरेट वीडियो आपको बना के आज शाम में या कल देने वाला हूँ, उसके बाद चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा, बहुत जल्द नोटिफिकेशन वगैरह जारी होगा, मैं अपडेट्स वगैरह आपको दूंगा। इसी के साथ देखिएगा दोस्तों, जिस अगली भर्ती के बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से चर्चाएं वगैरह करने वाला हूँ उसको भी व्यापम ही कंडक्ट कराने वाला है। व्यापम ने देखिएगा इस भर्ती के संबंध में 2 दिन पहले एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह जारी किया था, जिसके माध्यम से उन्होंने इस पर्टिकुलर भर्ती का जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसका डेट वगैरह अनाउंस किया है। जी हाँ, मैं
यहाँ पे बात कर रहा हूँ ऐसे ही भर्ती परीक्षा की। अब देखिएगा दोस्तों, बड़े मुश्किलों के बाद यानी कि बहुत से प्रोटेस्ट वगैरह हुए, छात्रों को रोड तक आना पड़ा, सोशल मीडिया कैंपेन वगैरह चले, बहुत से कष्टों के बाद देखिएगा फाइनली शासन ने इस भर्ती की तरफ अपना रुख बढ़ाया था और फाइनली देखिएगा यहाँ पे एग्ज़ाम डेट वगैरह अनाउंस किया था। अब देखिएगा इतनी मुश्किलों के बाद ये जो एग्ज़ाम डेट जारी किया गया है, इस पर भी छात्रों को चयन नहीं है। अब कुछ छात्रों के द्वारा ये मांग उठाई जा रही है कि देखिए इस पर्टिकुलर डेट को यानी कि 29 जनवरी 2023 की डेट को देखिएगा उनका यहाँ पे सी टेट का एग्ज़ाम वगैरह है। तो देखिएगा यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप कोई भी डेट ले लें, यानी कि देखिएगा यहाँ पे एग्ज़ाम पोस्टपोन भी होता है, कोई नेक्स्ट डेट भी मिलता है, तो हो सकता है उस दिन भी आपका कोई ना कोई एग्ज़ाम क्लैश करे। तो कितने बार आप किसी चीज़ को पोस्टपोन कराओगे? देखिएगा एक चीज़ यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि देखिए बड़े मुश्किलों से ये जो एग्ज़ाम डेट आप लोग को मिला है, ये देखिएगा फिर से अगर पोस्टपोन होता है तो फिर आप लोग को एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, फिर से देखिएगा दुनिया भर का तमाशा करना पड़ेगा। तो ये चीज़ अगर आप लोग बार बार चाहते हैं तो करिए फिर आप लोग जो सही लगता है, क्योंकि मैंने सुना है बहुत से छात्र जो है यहाँ पर व्यापम को फ़ोन घुमा रहे हैं, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग में काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है जिसको बहुत लोगों ने शो भी किया है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में, जिसमें देखिएगा व्यापम के अधिकारी द्वारा कहा गया है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि एग्ज़ाम डेट वगैरह आगे बढ़े तो बहुत से छात्र को यहाँ पर आवेदन वगैरह करना पड़ेगा व्यापम को, जिसके बाद शायद देखिएगा व्यापम का डिसीजन होगा कि एग्ज़ाम को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। तो देखिएगा आप लोग करिए जो प्रयास आप लोग को सही लगता है करिए, लेकिन ये सब देखिए गलत तरीका है, क्योंकि देखिए बड़े मुश्किलों से एग्ज़ाम डेट जारी हुआ है। अब इसके पश्चात देखिएगा आप लोग के पास ये कहने के लिए नहीं रहेगा कि शासन जो है यहाँ पर अपने तरफ से कुछ गलत करिए, क्योंकि शासन ने अपना डेट दे दिया है, इस बार लेट लतीफ़ी आप लोग ही कर रहे हैं, तो करते रहिए। क्योंकि देखिएगा यहाँ पर जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम है इसके लिए मात्र 60 से 70 हज़ार छात्र क्वालिफाइड हुए हैं, इसमें भी देखिएगा बहुत लिमिटेड छात्र होंगे जिनका 29 तारीख को एग्ज़ाम होगा सी टेट का। तो इसके लिए देखिए इतने लिमिटेड छात्रों के लिए इतनी बड़ी संख्या के छात्रों का नुकसान कर देना, इनके एग्ज़ाम पोस्टपोन कर देना, फिर एक नए डेट के लिए बैठे रहना, एक बहुत अन्याय वाली बात हो जाती है, एक प्रकार से देखिएगा सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ देखने वाली बात हो जाती है यहाँ पे। अब देखिएगा दोस्तों, मैं जानता हूँ कि इस वीडियो के पश्चात बहुत से छात्र इस वीडियो को देखेंगे और जो मैंने कहा है इसको देखा देखिए देखिएगा नीचे में बहुत अनाप शनाप कमेंट करेंगे भी। तो देखिएगा जो चीज़ गलत है उसमें मैं हाँ पे हाँ नहीं मिला सकता, भले आप लोग को अच्छा लगे या बुरा लगे उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोग अगर लगता है मैंने कुछ गलत बोला तो बेशक आप लोग जो है चैनल का सब्सक्रिप्शन छोड़ सकते हैं या फिर वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, आप लोग को जो सही लगा कर सकते हैं। क्योंकि इस बार यदि एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो कुछ चंद छात्रों के लिए बहुत बड़ी संख्या के छात्रों को जो है बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, जो कि टोटली गलत है, उसको कभी आप सही ठहरा ही नहीं सकते हैं। तो देखिएगा इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था। बाकी बता दूं यहाँ पे मैंने जितने भी स्लाइड्स वगैरह शो किए हैं, अगर आप इनके PDF वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो सब हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त कर पाएंगे, और अगर आप हमारे टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो जस्ट उस लिंक को क्लिक करिए, हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए, उन समस्त PDFs को आप डायरेक्टली प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक भी शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।